प्रस्तुत शोध में जमुना द्वारा गठित वन संरक्षण समिति की कार्य प्रणालियों का समीक्षात्मक विवेचन करते हुए इनके प्रयासों की झलक को परिस्थितिकीय नारीवाद और सतत विकास की सैद्धांतिक मान्यताओं के संदर्भ में खोजने का प्रयास किया गया है। इस शोध हेतु मुद्रकम गांव व वन में फील्ड सर्वे के साथ ही समिति की गतिविधियों से संबंधित मौलिक दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय, JMU, जामिया इत्यादि विश्वविद्यालयों के अनेक विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श किया गया है और इसमें हमारे सभी विद्यार्थियों का प्रशंसनीय योगदान रहा है। कथनी के बजाय करनी पर जोर देते हुए जमुना टुडू ने निस्वार्थ अदम्य साहस का परिचय देते हुए पर्यावरण संरक्षण में अपना असाधारण योग दिया है। अतः इस प्रकार के स्थानीय स्तर पर किए गए प्रयासों को हमें पर्यावरण संरक्षण में सबसे अधिक महत्व देना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन और पहचान मिलनी चाहिए जो आज हाशिए पर होने के बावजूद देश के पर्यावरण संरक्षण में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इस शोध हेतु हम अपने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रति बहुत आभारी हैं जिसने इस प्रकार की अन्वेषण परियोजना का आरम्भ किया। साथ ही इसके लिए हम शोध पर्यावेशक के दिशा निर्देशन हेतु उनके प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। प्रस्तुत शोध में आदिवासी संस्कृति, विशेष रूप से संतालों के संदर्भ में इनके मूल्य, इतिहास, जीवन शैली और आदिवासी साहित्य का रोचक मूल्यांकन करते हुए प्रकृति के प्रति इनके विशेष लगाव के संदर्भ में इनके लोक संगीत, पर्व, त्योहार, परंपराओं, रीति रिवाज, सरल शब्दों में इनके सामाजिक सांस्कृतिक आचरण को उजागर किया गया है। क्योंकि अब तक किसी भी विश्वविद्यालय, संस्था, गैर सरकारी संगठनों के अनुसंधान में पारिस्थितिकीय नारीवाद एवं सतत विकास की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आदिवासी महिलाओं की भूमिका पर कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। इस दृष्टिकोण से ये शोध स्वयं में नवीनता को समेटते हुए चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि सीमावर्ती तीन राज्यों झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के नक्सलवाद का केंद्र यहीं से संचालित होता है। जमुना टुडू संथाली जनजाति की 32 वर्षीय छोटे कद वाली साक्षर महिला है जिसने 25 अन्य जनजातीय महिलाओं के सहयोग से वन विभाग द्वारा वन सुरक्षा समिति को पंजीकृत करवाया। समिति की महिलाएं प्रतिदिन 3 समूह में मुद्रकम के जंगल में पिछले 12 वर्षों से लगातार गश्त करती आ रही हैं और इनकी समिति के लोग गैर कानूनी तरीके से लकड़ी की कटाई करने वालों पर 501 रुपए का जुर्माना लगाते हुए वन विभाग को सौंप देते हैं। कभी बंजर कहे जाने वाले वन में आज 4 लाख से ज्यादा पेड़ है। अपने गाँव में लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू अन्य महिला सहयोगियों के साथ परंपरागत हथियार एवं पालतू कुत्तों के साथ मिलकर 12-12 महिलाओं के 3 समूह में अलग अलग दिशाओं में वन में प्रवेश करती है। आज वन सुरक्षा समिति में महिला सदस्यों की संख्या लगभग 70 के करीब पहुंच चुकी है। जमुना टुडू मुखिया पद के लिए वर्ष 2011 का चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि वो महज 18 वोटों से ये चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है और वो है मुद्रकम जंगल की संरक्षिका के रूप में। जमुना टुडू के सराहनीय प्रयासों की एक झलक, मुद्रकम जंगल का संरक्षण, स्कूल के निर्माण हेतु अपनी पैतृक संपत्ति का दान, पानी की टंकी व कुएं हेतु जमीन दान में दी, आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, आदिवासी महिलाओं में स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता व सशक्तिकरण के प्रसार में पूर्ण सहयोग,